जनादेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर, यह है समाचार। हमारी टीम पहुंची शास्त्री नगर मेरठ में, जहां भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने शास्त्री नगर CGM कार्यालय पर की एक चुनावी सभा। आपको बता दें कि भारत संचार निगम लिमिटेड में ग्रुप CD कर्मचारियों का नवा सदस्य सत्यापन मेंबर वेरिफिकेशन होने जा रहा है, जिसमें 12 तारीख को कर्मचारी अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 14 तारीख को मतों की गिनती होगी। जिस भी यूनियन को 51% मत मिलेगा, वह यूनियन सरकार से, मैनेजमेंट से नेगोशिएशन करेगी, बातचीत करेगी, उसी यूनियन को विभाग में मान्यता मिलेगी। इसी संदर्भ में चंद्रवेश्वर सिंह, नेशनल फेडरेशन एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, कर्मचारियों की सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कर्मचारियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कर्मचारियों की जो समस्या है, वर्तमान में नंबर 1 मान्यता प्राप्त यूनियन उनकी समस्याओं के प्रति अनदेखी कर रही है, जिसके कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारी बदलाव के मूड में दिखाई दे रहे हैं, इसका प्रमाण है भारी भीड़ नेशनल फेडरेशन एम्प्लॉयज यूनियन के चुनाव में आ रही है और परिवर्तन की एक लहर दिखाई दे रही है। यह भी हो सकता है कि आपके काफ़ी समय के बाद नेशनल फेडरेशन यूनियन 51% मत लेकर नंबर 1 यूनियन बनाने के मूड में कर्मचारी दिखाई दिए। कर्मचारियों की 3rd PRC अभी तक नहीं मिली है। उधर सरकार ने BSNL को 5G सेवा से भी वंचित रखा है। देखिए हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने NFT जिंदाबाद 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 NFT जिंदाबाद 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 श्री सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्री सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्री सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश पश्चिम परमंडल का अध्यक्ष है, हमारे साथ उपस्थित हमारे छोटे भाई लेकिन आदरणीय एनडी राम साहब, जो सेवा BSNL के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे मंचासीन साथी कमल सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव NFT और मंचासीन विकास गौतम जी, प्रमंडलीय सचिव सेवा BSNL, हमारा भाई छोटा भाई सोमपाल सैनी प्रमंडलीय सचिव NFT, हमारे साथी मयंक वशिष्ठ जी उपाध्यक्ष NFT और हमारे साथ उपस्थित मंचासीन दीपक चक्रवर्ती जी कोषाध्यक्ष सेवा BSNL, सेवा BSNL के अन्य माननीय पदाधिकारीगण और हमारे मंचासीन साथी शेखर सुधीर रंजन जी, जो हमारे यंग ब्रिगेड के ये लोग कैप्टन कहिए जो कहिए वो हैं, और कैप्टन का कैप्टन दीपक शर्मा जी, जो हमारे साथ दिल्ली से चल करके यहाँ आए हैं, और बेबाक विचारों के धनी, बेबाक न इनका लेना न उनका देना, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, वो बहुत भावावेश में आकर के और बात नहीं करते, दिलवाया। लेकिन मित्रों, आपको 1 इंक्रीमेंट का लाभ तो मिला, आपने और कुछ गौर नहीं किया। वो वेज रिवीजन होना था 78.2% IDM मर्ज करके आपके बेसिक पे में, और 30% उस पर फिटमेंट दे करके स्केल का निर्धारण करना था। लेकिन आप कह सकते हैं या कोई कह सकता है, BSNL का हमारा कोई साथी कह सकता है कि ये भ्रामक प्रचार जनरल सेक्रेटरी BSNL कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये सत्यता है कि अप्रैल 2009 के अंतर्गत, अप्रैल 2009 में
हमारी भारत सरकार ने ये पे फिक्सेशन के कारण और फॉर्मेशन ऑफ स्केल के बारे में अपनी एक विज्ञप्ति जारी की और उसमें उन्होंने लिखा कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की ओर से जो 68.2% आईडीए को 68.8% आईडीए को मर्ज करके और उस पर जो फिटमेंट का परसेंटेज है उसको देके जो स्केल निर्धारण की बात अवधारणा थी वो गलत है। 78.2% आईडीए मर्जर होना चाहिए तभी वो 50% आईडीए मर्जर का कंसेप्ट होगा। ये पी चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और उन्होंने इसको गलत किया। इसलिए किया कि जब वो 68.8% आईडीए पर पे का निर्धारण हुआ, ओएनजीसी और तेल कंपनियों के सारे पीएसयू के लोग, अफसर लोग हड़ताल पर गए, उनके यहां बड़ा वो उन पर कार्रवाई की गई, सरकार ने उनको क्रश किया। लेकिन क्रश करने के बाद एक उनमें जागृति आई और उन्होंने एक समिति बनाई कि भाई ये इतने बड़े बड़े अफसरों ने हड़ताल किया था, सब एग्जीक्यूटिव ऑफ दी ओएनजीसी एंड ऑयल कंपनी कॉरपोरेशंस। तो उन्होंने एक कमिटी बिठाई और कमिटी ने जांच करके रिपोर्ट दिया कि नहीं नहीं 68.8% बिल्कुल गलत है, 78.2% मर्ज करके और उस पर फिटमेंट देके स्केल का निर्धारण होना चाहिए। हमारे साथी लोग उसके 9 महीने बाद 15 जनवरी 2010 को अपना वेज रिवीजन का एग्रीमेंट किए और हम लोग एनएफटी वाले लोग और दूसरे लोग भी ये लिखते रहे, बोलते रहे, हल्ला करते रहे कि भाई 78.2 का कंसेप्ट आ गया, 68 पर मत करना एग्रीमेंट। वो भी कहे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और कई हफ्ते महीने लग गए वेज रिवीजन का एग्रीमेंट करने में। अंततः गत्वा 15 जनवरी 2010 को उन्होंने 68.2 सकता है। हमारे साथी यहां में बैठे हों जो 7 साल 8 साल 10 साल से स्टेग्नेट कर रहे हैं, उनका लॉस को जोड़िए तो जरा। आज के तारीख में अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उसी वेतन पर उनका पेंशन बनेगा जो स्टेग्नेटेड है, जिस स्केल पर हो, जिस बेसिक वेतन पर वो स्टेग्नेटेड है, उनका रुका हुआ इंक्रीमेंट उसी पर उनका 50% दे के उनका पेंशन फिक्स कर दिया जाएगा। और अगर वो काल कलवित हो गए, भगवान की दया हो गई उन पर, तो उनके परिवार वाले जो होंगे, जो फैमिली पेंशन का रूल है, उसका 40% मिलेगा। तो कितने कम पैसे उसके पास आएंगे ये आप ख्याल करेंगे। ये स्टेग्नेशन की कहानी है। जो मिले कि एनएफटी सिंगल यूनियन रिकॉग्नाइज हो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।